हेलो फ्रेंड्स, मैं आदेश कांबड़े आपका डाई सीरीज चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हेडफोन्स के इवोल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले के ज़माने में हेडफोन्स कैसे हुआ करते थे और आज के ज़माने में कैसे है, ये सब मैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1890 में, जहाँ पे स्पीकर्स मतलब हेडफोन्स जो कि वन साइडेड होते थे, मतलब बड़े वाले स्पीकर होते थे, उसको ही हेडफोन्स बोलते थे। बाद में उसमें मॉडिफिकेशन हुआ और उसका नाम था इलेक्ट्रोफोन्स। इसकी डिज़ाइन स्टेथोस्कोप जैसी थी और जब भी कुछ लाइव परफॉर्मेंस लंदन में होता था तब लोग इस हेडफोन से वो लाइव परफॉर्मेंस सुनते थे। इस हेडफोन्स की प्राइस थी अराउंड 5 पाउंड। जो सबसे पहला वाला हेडफोन जो था, इसकी डिज़ाइन नाथन बैंडविन इन्होंने बनाई थी, लेकिन ये हेडफोन्स किसी ने भी परचेस नहीं की। जब US नेवी को इसी हेडफोन्स की इम्पोर्टेंस पता चली तब US नेवी ने ही इस हेडफोन्स को परचेस कर लिया। अभी चलते हैं 1937 में नए हेडफोन्स आए थे, नए हेडफोन इन्वेंटेड हुए थे। उस हेडफोन में दो पिंस हुआ करती थी, जो दो पिंस आपको साउंड सिस्टम में लगानी पड़ती थी। बाद में 1939 में नए हेडफोन्स निकल के आए थे जो कि K120 नाम से प्रचलित हुए थे और इसकी सेलिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे इसकी प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो गई। 1958 में कॉस SP3 नाम का हेडफोन आ गया। इस हेडफोन्स की सेलिंग तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन इससे ऑडियो इंजीनियरिंग को एक मोटिवेशन मिल गया। फिर बाद में 1960 और 1970 में स्टैक नाम का ब्रांड SR1 नाम का हेडफोन्स लेके आया था, जो हेडफोन इतना नहीं चला था। फिर बाद में 1979 में सोनी लेके आया उसका वॉकमैन पोर्टेबल स्टेरियो प्लेयर और यहाँ से ही हेडफोन्स की ट्रेंड शुरू हो गई। बाद सोनी ने नए नए डिज़ाइंस लॉन्च करने की शुरुआत की। उसमें से पहली डिज़ाइन थी निक बैंड डिज़ाइन। फिर और भी हेडफोन्स आते रहे विथ नॉइस कैंसलाइजेशन सिस्टम। फिर बाद में 2000 में इन ईयर हेडफोन्स भी आ गए। इसके साथ 2020 आने से पहले ही ब्लूटूथ हेडफोन्स भी मार्केट में अवेलेबल हो गए थे। ये थी पूरी स्टोरी ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ हेडफोन्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।